हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इंटेलेक्चुअल बायोलॉजी। हियर वी स्टार्ट क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। ओके, चलिए तो हम आप लोगों से एक सवाल पूछते हैं। बताइए आखिर ये जीवन चल कैसे रहा है, ठीक है ना? एक मन में आता हुआ सवाल कि आखिर ये जीवन कैसे चल रहा है, ठीक है? तो चलिए इसका आंसर आपको बताते हैं। तो इसका जवाब होगा कि हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हो रहा है जिसके कारण क्या है, हम जिंदा हैं, ठीक है ना? जैसे कि रेस्पिरेशन हो रहा है। रेस्पिरेशन मतलब कि हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस को छोड़ रहे हैं, ठीक है? डाइजेशन हो रहा है, हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना पच रहा है, ठीक है? ये सब हो रहा है, ओके ना? देन ठीक है, तो अब बात करते हैं व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस, ठीक है? तो यहाँ देखते हैं हम लोग कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, ठीक है? कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, ठीक है ना? तो चलिए बात करते हैं, एक बेसिक डेफिनेशन देखते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेस क्या है, ठीक है? प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जो कि हमारे बॉडी को फंक्शन को मेंटेन करे और जीवन जीने के लिए नेसेसरी हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लाइफ प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है ना? चलिए अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू NCERT इसका डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, ठीक है? चलिए, ऑल द प्रोसेसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड परफॉर्म टास्क टू मेंटेन बॉडी आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, ठीक है ना? चलिए अब तो आगे देखते हैं। तो लाइफ प्रोसेस हम लोग समझ गए क्या होता है, उसका डिफरेंस समझ गए। लाइफ प्रोसेस को हम लोग 5 टाइप्स में इसको डिवाइड किए हैं, ठीक है? पहला हमारा हो गया न्यूट्रिशन, ठीक है? पहला हमारा हो गया न्यूट्रिशन हो गया, दूसरा हो गया डाइजेशन, तीसरा हो गया रेस्पिरेशन हो गया, चौथा हो गया ट्रांसपोर्टेशन, और पांचवा हो गया हमारा एक्सक्रीशन, ठीक है? हम लोग एक एक करके इस पर थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं चैप्टर का, ठीक है ना? अब बात करते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है? चलिए हम तो NCERT खोल लेते हैं, आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे तो NCERT हम लोग देखते हैं, देखिए चलिए बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड। ऐसा प्रोसेस जिससे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट को लेते हैं। किससे लेते हैं न्यूट्रिएंट को, फूड से न्यूट्रिएंट, उसको हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर एक वर्ड आएगा न्यूट्रिएंट क्या होता है, ठीक है? तो हम समझते हैं न्यूट्रिएंट क्या होता है। न्यूट्रिएंट इज अ सब्सटेंस यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। ऐसा सब्सटेंस जो कि हमें सर्वाइव करने में, हमें ग्रो करने में और रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, उसे हम लोग न्यूट्रिएंट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया और प्रोटीन हो गया, ठीक है ना? चलिए अब धीरे धीरे करके हम जितने भी पांचों प्रोसेस हैं सब पर हल्का हल्का ओवरव्यू लेंगे, ठीक है? अब सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, ठीक है? पहला हो गया ऑटोट्रॉपिक और दूसरा हो गया हेटरोट्रॉपिक, ठीक है? ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, इसका नोट्स हम आपको जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम आपको अच्छे से इसका नोट्स दे देंगे, सिर्फ हम ओवरव्यू कर रहे हैं अभी, ठीक है? तो बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक के बारे में। ऑटोट्रॉपिक आर सेल्फ डिपेंडेंट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, ठीक है? यहाँ पर तो एक सवाल पूछेंगे बच्चे कि सर हम लोग भी अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। अपना खाना खुद बनाना मतलब हम लोग अपना खाना पकाते हैं लेकिन बनाते नहीं हैं, ठीक है? हम उसके लिए हमें रॉ मटेरियल लगता है, ठीक है? लेकिन प्लांट को कुछ भी रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, वो सिर्फ सनलाइट की मदद से हेल्प से वो क्या करता है, अपना खाना बना लेता है, जैसे हो गया। और अगला है हेटरोट्रॉपिक, ठीक है? हेटरोट्रॉपिक क्या होता है, डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपने फूड को ऑब्टेन करने के दूसरे प्लांट और एनिमल पर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गया ह्यूमंस, ठीक है? जैसे ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है? अब बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक पर। हेटरोट्रॉपिक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला है सैप्रोफाइट्स, दूसरा है पैरासाइट्स और तीसरा है होलोजोइक, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं सैप्रोफाइट्स के बारे में। सैप्रोफाइट्स क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सड़े गले पदार्थों को खाकर जिंदा रहते हैं उन्हें बोलते हैं सैप्रोफाइट, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया हो गया और फंजाई हो गया, ठीक है ना? चलिए दूसरा हो गया पैरासाइट्स। पैरासाइट्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बिना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारे हुए उसको उससे अपना क्या करते हैं, फूड को लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया, सबसे पहले इसका डिफिनेशन देख लीजिए, टू ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम, ठीक है ना? जैसे कि एग्जाम्पल हो गया
हेड लाउज मतलब जू होता है ना बाल का, वो हमारे क्या होता है, हमारे स्कैल्प पर बैठे रहते हैं जो जू होते हैं, वो हमारे ब्लड को सक कर लेते हैं और हमें कोई क्या होता है नुकसान नहीं होता है, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं मॉस्क्यूटो, जो कि क्या होता है मॉस्क्यूटो, हमारे ब्लड को सक कर लेता है और हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता है। और तीसरा हो गया टेप बॉर्न, जो कि हमारे क्या होता है स्टमक में होता है, वो भी क्या करता है ब्लड ब्लड को ले लेता है लेकिन हमें कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं होलोजोइक क्या होता है। ऐसे एनिमल जो सॉलिड फूड को ऑप्टेन सॉलिड फूड लेते हैं उन्हें हम लोग होलोजोइक बोलते हैं। इसमें हम पांच तरह का प्रोसेस इन्वॉल्व है। पहला है क्या हो गया आपका इंजेशन, दूसरा हो गया डाइजेशन, तीसरा है अब्जॉर्प्शन, चौथा है एसिमिलेशन और लास्ट है हमारा इजेशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन। अब हम सबको बारी बारी से बात करेंगे। इंजेशन मतलब फूड को लेना, ठीक है। डाइजेशन मतलब फूड को पचाना। ऑब्जॉर्प्शन मतलब जो डाइजेस्टिव फूड में से जो न्यूट्रिएंट हो उसको क्या करेगा ऑब्जॉर्ब करेगा। और एसिमिलेशन का मतलब हो गया तो हम लोग बात कर रहे थे एसिमिलेशन पर। ऐसे देखिए एसिमिलेशन क्या होता है, ठीक है ना। सेल क्या करते हैं न्यूट्रिएंट को लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड, ठीक है ना। सेल अपने ज़रूरत के हिसाब से क्या करते हैं न्यूट्रिएंट को लेते हैं, उसे हम लोग एसिमिलेशन बोलते हैं। और लास्ट हो गया डाइजेशन मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देना, ठीक है। ये हो गया न्यूट्रिशन के बारे में। अब आगे देखते हैं डाइजेशन क्या होता है। टू डाइजेस्ट फूड, फूड को डाइजेस्ट करना, ठीक है। और इस वक्त इसका कुछ मतलब डिजीज़ भी होता है, उसको हम लोग आगे जब इसके बारे में बात करेंगे डाइजेशन का, जब अलग से हम लोग एक लेक्चर लेंगे उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हो गया रेस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग करना। इसके रेस्पिरेशन भी दो तरह का, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है ट्रांसपोर्टेशन, देखिए जो खाना जो डाइजेस्ट हो गया उसको क्या करेगा, उसका न्यूट्रिएंट है जो कि क्या करता है, क्योंकि हमारे बाकी जो ऑर्गेन है उनको चाहिए ना एनर्जी, एनर्जी चाहिए उनको, इसीलिए वो न्यूट्रिएंट क्या करता है ब्लड के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में क्या करता है सप्लाई हो जाता है, ठीक है। और लास्ट हो गया एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या करेगा वो बाहर निकलेगा, ठीक है, क्योंकि सारे फूड नहीं ना एक डाइजेस्ट होते हैं, इसीलिए कुछ पार्ट जो बचा उसे वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं बाहर निकलते हैं थ्रू एनस, ठीक है। ये हमारा ओवरव्यू हो गया, ठीक है। इसके बाद चलिए जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो न्यूट्रिशन के ऊपर आएगा, ठीक है। न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ेंगे अच्छे से, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, उसमें अमीबा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो अच्छे से सैप्रोफाइट्स पैरासाइट्स और जो इसको अच्छे से हम भाई डिफिनेशन हम अच्छे बहुत अच्छे से इसको मतलब अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू।